हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की न्यू रेसिपी में हम बनाने वाले हैं सूजी का चीला। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। चीला बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया है 2 कप सूजी। आपके घर में जितने मेंबर हैं आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 टमाटर को चॉप कर लिया है अच्छी तरीके से। यहाँ पे हमने चॉप कर लिया है 1 छोटी गाजर, 1 छोटी शिमला मिर्च और 1 छोटी प्याज। सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, मोटी पतली। और रेसिपी बनाने से पहले एक बार आप सूजी को जरूर देख लें। तो इसमें अब हम डाल देंगे दही। ये हमारी फ्रेश दही है। दही यहाँ पे हमें ज्यादा खट्टा नहीं लेना है। अब चॉप की है वेजिटेबल्स को हम इसमें डाल देंगे। अगर छोटी मोटी भूख को आप मिटाना चाहते हैं तो इस तरीके से चीला बना के आप खा सकते हैं, मॉर्निंग में, इवनिंग में, ब्रेकफास्ट में, एनी टाइम। अब हम इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी धनिया। इस चीले को खाने से आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। यहाँ पे अब हम डाल देंगे 1/4 चम्मच चिली पाउडर। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार रख सकते हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल दी है हमने इसमें 2 से 3। डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो पाउडर। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं तो रहने दीजिए। अब अच्छी तरीके से सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका अच्छा घोल बना लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे ताकि सूजी अच्छी तरीके से फूल जाए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सूजी हमारी अच्छी तरीके से फूल चुकी है और जो पानी भी है वो भी ड्राई हो चुका है। तो अब इसमें हम थोड़ा पानी और डालेंगे। तो पानी डाल के फिर से एक बार अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम इसे। इसे ना तो हमें ज्यादा गाढ़ा रखना है ना ज्यादा पतला रखना है। अब आप यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, हमें एकदम सूजी को ऐसे ही रखना है। तो चलिए अब चीला बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन को यहाँ पे हमने चढ़ा दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। अब हम चारों तरफ तेल को अच्छी तरीके से फैला देंगे। अब हम यहाँ पे चीले का बैटर लेंगे और इसे अच्छे से पतला फैला देंगे। हमें इसे बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखना है। ये देखिए, आराम से हम इसको इस तरीके से फैला देंगे और इसकी एक साइड को पहले पकने देंगे। तो इसे फैलाने के बाद अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे और पकने देंगे। फ्लेम को यहाँ हमें लो पे ही रखना है, हाई नहीं करना है वरना चीला जल जाएगा। तो चलिए अब एक बार खोल के इसे चेक कर लेते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से सूख गया है, मतलब चीले का एक साइड हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा साइड साइड से ऑयल लगाएंगे और फिर इसे पलट देंगे। तो इसकी एक साइड हो चुकी है, अब इसको पलट देते हैं धीरे से। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी तरीके से हो गया है ये। दूसरी साइड को भी अब हम पकने देंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारा चिल्ला एकदम क्रिस्पी सेक गया है। एंड अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी वीडियो। तो इसी तरीके से बाकी सारे चिल्ले भी हम बना लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमारे सारे चिल्ले बनके रेडी हैं। आप इस चिल्ले को चाय के साथ, सॉस या चटनी के साथ सर्व करके एंजॉय कर सकते हैं। एंड इतने बैटर में हमारे 4 से 5 चिल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट करती रहिए। आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।